नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जल्द ही नदियों से जुड़े डेटा एकत्र कर उनके जल संचयन और प्रवाह की क्षमता आखिर है क्या, इसका अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि जल्द ही बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर में बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत निर्माणाधीन इस भौतिक प्रतिमान केंद्र यानी कि फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निरीक्षण बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने कर दिया है और इससे संबंधित जरूरी दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दे दिए गए हैं। इस दौरान ही बिहार पदाधिकारियों ने भी सीएम नीतीश को कई जानकारियां साझा की है। इस दौरान ही पदाधिकारियों ने बताया कि दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि केंद्र का निर्माण कार्य जल्द पूरा करे। उन्होंने कहा है कि ये जब बनकर तैयार होगा तो अपने आप में विशिष्ट होगा। भौतिक प्रतिमान केंद्र के शुरू होने से बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई की योजनाओं के लिए नदियों से जुड़े जरूरी अध्ययन को कम समय में पूरा किया जा सकेगा। अब इसके लिए पुणे जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे होने वाले खर्चे में भी बचत होगी और यहां नदियों के हाइड्रोलिक गुणों का अध्ययन किए जाने से बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी काफी फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने पूर्वी कोसी तटबंध के पुनर्स्थापना और सुदृढ़ीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि स्पर का सुरक्षात्मक और पुनर्स्थापना कार्य पीवीसी कोटेड गैबियन बक्स में बोल्डर डालकर किया जा रहा है ताकि तटबंध को सुरक्षित रखने का काम किया जा सके। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, कोसी प्रमंडल के आयुक्त गोरखनाथ, कोसी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक शिवदीप लांडे, सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार, पुलिस अधीक्षक अमरकेश डी सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता फ्लड वीरपुर ने डायग्राम के माध्यम से निर्माणाधीन कैंपस प्लान की जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि आपकी परिकल्पना के अनुरूप बिहार के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से यहां उच्च कोटि के भौतिक प्रतिमान केंद्र की स्थापना की जा रही है। नदियों के हाइड्रोलिक गुणों के अध्ययन के लिए ये पुणे के सेंटर वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के बाद भारत का दूसरा संस्थान होगा। इसके माध्यम से बाढ़ आने से 72 घंटे पहले सूचना मिल जाएगी, जिसके बाद उम्मीद है कि आने वाले समय में बाढ़ से भी बिहार को निजात मिलेगा, क्योंकि हर साल बिहार में बाढ़ की मार देखने को मिलती है। कोसी से सटे इलाकों में बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह होती है कि लोगों को अपना घर बार छोड़कर अलग जगह पर प्रस्थान होना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से तो नुकसान होता ही है, मानसिक रूप से भी काफी ज्यादा क्षति होती है। इतना ही नहीं, बाढ़ के कारण कई बार कई लोगों की जान जाने की भी खबरें सामने आती है, तो काल बनकर आ रही बाढ़ की समस्या बिहार में हर साल देखने को मिलती है, लेकिन सरकार की कोशिश ये जरूर होती है कि बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके, जिसके बाद अब इस पहल से उम्मीद यही की जा रही है कि बाढ़ रुके ना रुके, लेकिन बाढ़ आने से पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने में सफलता मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।